क्या ICL को डालने से रात में हेलोज एंड ग्लेयर्स बनते हैं? देखिए, इसमें आपको ये समझना जरूरी है, जो लेटेस्ट ICL आए हैं, जो V4C मॉडल है स्टार का, ईवो ICL, उसमें मोतियां ना बने उसके लिए ICL के बीच में एक छोटा सा छेद डाला गया, जिस छेद की वजह से आंख के अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, जिसकी वजह से पहले मोतिया बनता था और अब ये छेद डाल दिया है, जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होती और आजकल हम लोग ICL के बाद मोतिया नहीं देखते। लेकिन जब लाइट इस छोटे से छेद के बीच में से पास करती है तो लाइट थोड़ी सी ब्रेक कर सकती है और आंखों में हेलोज और ग्लेयर्स, इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आपकी आंख में हेलो ग्लेयर की प्रॉब्लम बनती है ICL के बाद, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस चीज को बॉडी करीब 6 महीने में अडाप्ट कर जाती है और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है।